प्रस्तुत है अनिल शेखर अंबस की कहानी तारापीठ की छाया का 10वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। वो आसमान की ओर देखते हुए मधुर स्वर में कुछ गा रही थी। रात का समय था, लगभग 2 बज रहे थे। इतनी रात में एक युवती शमशान, वो भी चिता के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही है, ये मेरे लिए दुनिया के 7वें आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि ये अनुभव मुझे सामान्य अवस्था में हो रहा। साधना काल में अजीब अजीब दृश्य देखना सामान्य था, जिसकी वजह से वहां किसी भी चीज के लिए मैं तैयार रहता था, लेकिन सामान्य जीवन में इस प्रकार की घटना अद्भुत और अविश्वसनीय थी। मैंने और करीब जाकर देखा, ये तो वही सांवली युवती थी जिससे मैं एक बार रास्ते में और एक बार बाबा प्रचंडनाथ की झोपड़ी में टकरा चुका था। उसका गाना चलता रहा और मैं भी वहीं खड़ा खड़ा सुनता रहा। पूरा शमशान सो रहा था, कुत्ते भी सो चुके थे, इसलिए हवा से पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई और आवाज नहीं आ रही थी। गाना पूरा होते होते ही वो पालथी मारकर बैठ गई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए शायद उसे मेरे होने का आभास नहीं हुआ। जो भी हो, मैं वहीं खड़ा रहा। उसने पालथी मारकर बैठने के बाद कुछ मुद्राएं दिखाई। इनमें से ढेर सारी ऐसी मुद्राएं थी जो केवल अघोरी ही दिखाते हैं, या यूं कहें कि केवल वाम मार्गी साधना में ही ये प्रयुक्त होती है। इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये युवती तंत्र साधिका है। मुद्राएं दिखाने के बाद उसने हल्की आवाज में कुछ मंत्र जाप प्रारंभ किया। मैं उससे लगभग 15 फीट की दूरी पर था, इसलिए आवाज स्पष्ट नहीं थी कि वो किस विद्या का मंत्र जाप कर रही है। उसके बैठने की मुद्रा और भाव ये बता रहे थे कि वो मंत्र जाप में लगी है। लगभग 15 मिनट तक उसका मंत्र जाप चलता रहा। उसका आभा मंडल काफी स्पष्ट था। आभा मंडल वो चीज होती है जो भगवान के फोटो में उनके सर के पीछे प्रकाश जैसी दिखाई देती है। ये हर आदमी में पाई जाती है। ये आभा मंडल व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बताता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा भी कहते हैं। पश्चिम में इस पर काफी रिसर्च हुई है। वहां इसे विकसित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल तथा चर्चा जारी है। आभा मंडल के द्वारा व्यक्तित्व के स्वस्थ होने, बीमार होने और यहाँ तक कि उसके संभावित मृत्यु तक की पहचान की जा सकती है। इसके लिए अनुभव और साधना दोनों जरूरी है। जो साधक होता है उसको आभा मंडल दिखता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति का हो चाहे किसी साधक का। उसी आभा मंडल के द्वारा वो पहचान पाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितने उच्च स्तर का साधक है। खैर, उस युवती के आभा मंडल में साधनात्मक तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उसका मंत्र जाप बढ़ा, उसका आभा मंडल हल्के नीले रंग का हुआ और धीरे धीरे गहरे नीले रंग का होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो नीले रंग की रोशनी में नहा रही है। कुछ देर के बाद उसके सामने एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे धुआं कोई आकार ले रहा हो। उस आकृति का स्वरूप गणेश भगवान के जैसा था, लेकिन रंग एकदम काला था, जैसे महाकाली गणेश भगवान में परिवर्तित हो गई। गहरा काला रंग, 15 फीट का विशाल शरीर, बड़े बड़े कान, बड़ी सी सूंड और लाल लाल आंखें, सफेद रंग के 4-4 फुट के 2 लंबे मुड़े हुए दांत, कुल मिलाकर भयानक आकृति थी। बाद में बनर्जी दादा ने बताया कि वो भगवान गणपति का तांत्रिक स्वरूप था, जिसे उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। उस भयानक आकृति को मैं हाथ जोड़े स्तब्ध खड़ा देखता रह गया। गणों के अधिपति महागणपति अपने तांत्रिक स्वरूप में उस युवती के सामने खड़े थे और वो उनके चरणों में झुकी हुई थी। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड तक ये दृश्य रहा, उसके बाद प्रभु विलुप्त हो गए। उसकी आभा मंडल का नीलापन और गहरा गया था। कुछ क्षणों तक यही स्थिति रही, उसका आभा मंडल वापस सामान्य हो गया। उस युवती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चिता की भस्म को अपने माथे पर लगाया और पुनः प्रणाम करने के बाद वो खड़ी हुई। वो पलटकर मेरी तरफ मुड़ी। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, उसकी नजरें मुझसे टकराई। अपनी आदत के अनुसार वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। ये हमारी तीसरी मुलाकात थी। इस बार मैं उसके बारे में जानना चाहता था कि वो है कौन और बार बार मुझसे क्यों टकराती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस चिता में जमीन से कुछ 8-10 फीट ऊंचाई तक कोयले और लकड़ी का ढेर था। उसके ऊपर चिता जलाई जाती थी और उसी ऊंचाई पर वह युवती खड़ी थी। वो दौड़कर नीचे उतरी और मेरे बगल से होकर जाने लगी। इस बार मैं छोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली।
कुछ देर उसने कलाई छुड़ाने का उपक्रम किया, लेकिन जब नहीं छुड़ा पाई तो शांत होकर खड़ी हो गई। मैंने भी उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने सीधा जवाब दिया, छाया। अब वो एक सीधी सादी सामान्य युवती लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर कोई ये नहीं बोल सकता था कि यही अभी कुछ देर पहले चिता के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही थी। मैंने अपने जीवन में एक से एक महिला साधिकाओं को देखा है। उनमें से कई देखने पर ऐसी लगती हैं जैसे सबसे सरल और आसानी से बेवकूफ बनाए जाने लायक महिला हो, जिसे दुनियादारी से लेकर आध्यात्मिकता तक का कोई ज्ञान न हो। लेकिन जब वे अपने औकात पर आ जाएं, तो उनकी सिद्धियों के सामने बड़े बड़े तांत्रिकों और विद्वानों को उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होते हुए देखा है। ऐसी ऐसी भ्रष्ट महिला तांत्रिकों को भी देखा है जो जानती तो कुछ नहीं, लेकिन हाव भाव, भाव भंगिमा और वेशभूषा के दम पर अच्छे अच्छे को बेवकूफ बनाकर निकल जाती है। वो युवती पहली श्रेणी की साधिका थी, जो साधनात्मक रूप से बेहद उच्च कोटि पर होने के बावजूद अपने आप को सहज और सरल बनाए रखने में सक्षम थी। उनकी इच्छा के बिना आप उनके ज्ञान या सिद्धियों की कोई थाह नहीं पा सकते। ये तो मेरा सौभाग्य था कि उसके साधना काल में मुझे उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही गणों के अधिपति विघ्नहर्ता भगवान महागणपति का दिव्य स्वरूप भी देखने को मिला। ऐसे साधक दुर्लभ होते हैं और इनको पहचानना, इनके ज्ञान की गहराई मापना लगभग असंभव होता है। खैर, मैंने पूछा, छाया, तुम मुझे बार बार क्यों दिख रही हो? मैं ये जानना चाहता हूं। वो खिलखिलाकर हंसी और शमशान के दूसरे कोने की ओर दौड़ पड़ी। मैं भी पीछे दौड़ा। आज मैं जान लेना चाहता था कि वो है कौन। लगभग 100 कदम दौड़ने के बाद एक झुरमुट के पीछे जाकर वहां बैठ गई। मैं भी वहां पहुंचा और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में गजब का तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से रश्मियां सी निकल रही हों। वो पालथी मारकर बैठ गई। मैं भी उसके सामने पालथी मारकर बैठ गया। फिर मैंने अपना सवाल दोहराया, तुम मुझे बार बार क्यों दिख रही हो? उसने मेरे सवाल को अनसुना करते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, अघोरानंद। उसका अगला प्रश्न, यहां कैसे? मैंने कहा, तारा माई की साधना करने आया हूं। छाया, साधना पूरी हो गई? मैंने कहा, नहीं, अभी 4 ही दिन हुए हैं, 4 दिन बाकी हैं। वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, उसके बाद? मुझे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उसके बाद क्या करूंगा। आने का रिजर्वेशन तो कराया था, लेकिन वापसी तय न होने के कारण 15 दिन बाद का रिजर्वेशन कराया था। यहां पर शुरू के 8 दिन की साधना करनी थी, उसके बाद जो 7 दिन बचने थे उसमें क्या करूंगा ये कुछ निश्चित नहीं था, इसलिए मैं मौन रहा। वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, अपना पता नहीं पर दूसरों की खोजबीन करने चला है। मैं अपने आप को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो जो कह रही थी वो वास्तविकता थी। मैं अपने बारे में नहीं जानता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, और उससे पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो बार बार क्यों मिल रही है। मुझे लगा ये मैंने गलत किया, भगवती की इच्छा पर मुझे छोड़ देना चाहिए था। इस तरह उसे रोक कर पूछताछ करना शायद उचित नहीं था। मैं जाने के लिए उठा, वो भी साथ में उठी। तभी उसकी नजर मेरे गले पर पड़ी। मेरे गले में रुद्राक्ष के छोटे दानों की एक माला थी। उस माला में मेरे गुरु के द्वारा दिए गए रुद्राक्ष थे। वो माला लगभग 10-11 सालों से मेरे पास थी। उसके साथ इतना लगाव था मुझे कि वो अपने शरीर का एक हिस्सा जैसी लगती थी। उसने वो रुद्राक्ष की माला पकड़ी, मेरी ओर गौर से देखा। उसके सुमेरु में गौरी शंकर रुद्राक्ष लगा हुआ था। उसने बड़े ध्यान से देखा। उसे पकड़े पकड़े छाया ने मुझसे कहा, यह माला बड़ी सुंदर है, ये मुझे दे दे। मेरे लिए धर्म संकट की स्थिति थी। भगवती तारा का दिव्य पीठ और उसमें उसका स्वरूप ये छाया मुझसे रुद्राक्ष की माला मांग रही थी। ये वो रुद्राक्ष की माला थी जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी, इसलिए मैं उसे देना नहीं चाहता था। मैं सोच में डूबा हुआ और निशब्द रहा। मुझे देखकर वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, गुरु ने दिया है इसलिए संभाल कर रखता है, ठीक है रख ले। मैंने सोचा जान बची, उस रुद्राक्ष की माला को मैं दुर्लभ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके दाने सामान्य दाने थे, लेकिन गुरु से मिलने की वजह से वो मेरे लिए अनमोल थे और मैं उसे देना नहीं चाहता था। उसने कहा, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, मुझे दे दे, और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब कोई अनजान महिला ऐसा करे और वो भी रात के 2 बजे, तो आपकी पूरी बहादुरी की हवा निकल जाती है। मेरी भी निकल चुकी थी।
मेरी दयनीय दशा देखकर शायद वो समझ गई, इसलिए वो थोड़ा गंभीर हुई। उसने कहा, सब कुछ तो मिल गया तुझे, अब और क्या चाहता है? मैंने पूरी विनम्रता से पूछा, आप बार बार मिल रही हैं, इसमें जो रहस्य है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो फिर खिलखिलाकर हंस दी और काफी देर तक हंसती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसी थम ही नहीं रही। जब वो काफी देर तक हंस ली तो बोली, बनर्जी दादा की किताब को भूल गया क्या तू? और वहां से 9:11 हो गए। 2 सेकंड में उसका वहां कोई अता पता ही नहीं था। मैं उसकी कही गई बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, तब तक वो लापता हो चुकी थी। बनर्जी दादा के द्वारा दी गई किताब थी महाश्यामा साधना, और छाया के कहने का मतलब शायद ये था कि आने वाले समय में उसी साधना से संबंधित कुछ बात बनने वाली थी। इन्हीं विचारों में जूझता हुआ, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता हुआ मैं कमरे पर पहुंच गया। बिस्तर पर लेटते ही फिर नींद की आगोश में चला गया। तारापीठ पर मेरे 4 दिन हो चुके थे। इन 4 दिनों में एक युग का अनुभव प्राप्त हो चुका था। अगर आप किसी शक्तिपीठ पर साधना करते हैं तो उस जगह की विशिष्टता कहें, वहां का साधनात्मक प्रभाव या अधिष्ठात्री शक्ति का प्रभाव, आपको साधनात्मक अनुभव बहुत प्रबल होते हैं। इस प्रकार के अनुभव साधक को उत्साहित करते हैं और वो ज्यादा लगन से साधना करता है। उसका विश्वास भी प्रबल होता है। शायद इसीलिए विशिष्ट साधनाएं शक्तिपीठ पर करने का तांत्रिक प्रावधान रहता है। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।